दोस्तों अक्सर ऐसे हादसे पेश आते हैं या कुछ अजीबोगरीब हो जाता है जिसके बारे में सुनकर कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पर वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये वीडियोस सबको हैरत में डाल देती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों फिशिंग करते वक्त नहायत ही एहतियात करना पड़ती है और हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है। जैसे इस वीडियो में कुछ माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे, तभी एक स्वॉर्ड फिश उनके कांटे में फंसी और उछलकर उनकी बोट में आ गई। आप जानते होंगे कि ये कितनी खतरनाक होती है, लेकिन यहाँ सब लोग डरकर भागे और एक तो पानी में ही कूद गया, मगर खुशकिस्मती से सब लोग बच गए। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे पार्क हैं जिनमें आप गाड़ी में बैठकर अंदर जा सकते हैं और जानवरों को नजदीक से देख सकते हैं, मगर आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग गाड़ी में बैठकर पार्क के अंदर गए और कुछ शेरों के पास रुके। एक शेर इनकी तरफ आया, इनकी गाड़ी का गेट तो बंद था मगर लॉक नहीं था और उसे शेर ने अपने मुंह से खोल लिया। ये देखकर सब लोग डर गए, ये लोग बच गए, अगर इनका ध्यान ना पड़ता तो इनकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों यहाँ एक ट्रक जा रहा है जिसकी वीडियो एक गाड़ी के कैमरे में कैद हो गई। ये ट्रक एक साइड को झुक गया, आप देखकर कहेंगे कि अब तो ये गया, मगर अचानक से ये फिर से सीधा हो गया और ये ड्राइवर की महारत थी कि उसने इसे उलटने से बचा लिया। दोस्तों आपने शेर को तो दरवाजा खोलते देखा, मगर यहाँ देखें, ये लोग सैर के लिए पार्क गए तो एक भालू इनके काफी करीब आ गया। जैसे ही ये लोग फोटो बनाने में मसरूफ हुए तो इस भालू ने इनकी गाड़ी का दरवाजा खोल लिया, मगर इस आदमी ने जल्दी से बंद कर लिया, वरना ये लोग तो जान से गए थे। दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि फिशिंग करने के लिए काफी चुकन्ना रहना पड़ता है। दोस्तों रशिया में लोग बर्फ से ढके हुए तालाबों में होल बनाकर फिशिंग करते हैं, ऐसे ही इस आदमी ने एक मछली पकड़कर बाहर निकाली और उसके मुंह से कांटा निकालने लगा, मगर कांटा बुरी तरह से फंस गया था। फिर ये आदमी कांटा निकालने के लिए कोई चीज लेने गया, मगर जब मछली ने मौका देखा तो उछलते उछलते पानी में चली गई और साथ में उस आदमी का राड भी खींच कर ले गई। जब ये वापिस आया तो मछली और राड दोनों से हाथ धो बैठा था। दोस्तों किसी भी किस्म के हादसात में सबसे पहले रेस्क्यू टीम को बुलवाया जाता है ताकि वहां लोगों को बचा सकें। यहां भी एक रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए एक दरवाजा काटने में मसरूफ है, लेकिन जब दरवाजा हटाया गया तो रास्ता ही बंद था और उन लोगों की मेहनत बेकार गई। दोस्तों आपने आतिशबाजी तो देखी होगी, मगर जरा इस आतिशबाजी को देखें। पहले पहल तो लोग इसे कुदरत का करिश्मा समझते थे क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे आसमान को सीढ़ी लगा दी गई हो, मगर अब लोगों को मालूम हो गया है कि ये आतिशबाजी का नतीजा है और इसे बनाने वाले ने तो कमाल ही कर दिया है। दोस्तों एक्सपर्ट्स को जानवरों के बारे में जानने के लिए इन्हें इनके काफी करीब जाना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग एक राइनो की तस्वीर बनाने में मसरूफ थे, मगर तभी वो राइनो गुस्सा हो गया और उनकी तरफ भाग कर आया, लेकिन इनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया और राइनो डर कर रुक गया और थोड़ा पीछे हटकर फिर आने लगा, तो ये आदमी फिर चिल्लाया और राइनो फिर रुक गया। इस तरह कई बार हुआ और फिर ये राइनो वापस पलट गया। जैसे ही ये राइनो पलटा तो इस टीम ने भागने को ही ठीक समझा, मगर एक बात है कि जानवर को डराकर भगा दें वरना वो आपके पीछे से हमला करेगा। दोस्तों पानी अल्लाह की नेमत है, मगर कुछ मुल्कों में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, जैसे सोमालिया और सूडान। इन इलाकों के लिए यूएसए ने एक पाउडर बनाया है जिसे पोलग्लियू कहते हैं। इसे बोतल में डालने पर गंदा पानी और उसमें मौजूद तमाम चीजें नीचे बैठ जाती हैं और साफ पानी ऊपर आ जाता है जिसे आप आसानी से पी सकते हैं। दोस्तों आपने गिड़गिड़ को तो देखा होगा, ये जैसा चाहे रंग बदल लेता है, मगर ये छोटा सा कीड़ा भी गिड़गिड़ की तरह रंग बदल लेता है। आमतौर पर ये गोल्डन कलर का होता है, मगर जैसे ही इसे कोई छूता है तो ये अपना कलर ब्राइट रेड कर लेता है, जो कि वाकई ही कमाल है। दोस्तों हाथी बहुत बड़ा जानवर है, ये काफी ठंडे मिजाज का होता है, मगर गुस्सा आने पर ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक आदमी खड़ा है, ये एक्सपर्ट एनिमल है और इसे खुद पर काफी भरोसा है, और ये एक हाथी के सामने खड़ा हो जाता है और हाथी भी इसकी स्किल्स के आगे रुक जाता है और ये हाथी को डराने में कामयाब हो जाता है। मगर आपको बता दें कि अगर आप इस तरह करेंगे तो जरूर जान से जाएंगे। दोस्तों बहुत से जानवर इंसानों को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर इन्हें तंग किया जाए तो वो हमला कर देते हैं। यहाँ एक बंदर आराम से बैठा है और इस आदमी ने बंदर को छेड़ा तो बंदर गुस्से में आ गया
और ऐसा हमला किया कि इस आदमी को जिंदगी भर याद रहेगा। अब यहाँ एक पांडा सो रहा है और ये ताइवान का जू है और आदमी इसके हाल में उतरकर इसको जगाने की कोशिश करते हैं। ये पांडा जब उठता है तो गुस्से में इस आदमी पर हमला करके इसे पकड़ लेता है। ये काफी कोशिश के बाद छूटने में कामयाब हो जाता है और इस हाल से भाग निकलते हैं। ये आदमी सच में बेवकूफ है। मगरमच्छ काफी खतरनाक जानवर है, ये हर चीज को खा जाता है। इसके जबड़े काफी मजबूत होते हैं, मगर इस बेवकूफ आदमी को देखें, ये मगरमच्छ को गोश्त खिला रहा है। अगर मगरमच्छ ने इस पर हमला कर दिया तो क्या होगा? डायनासोर अगर आज जिंदा होते तो ये कैसे बिहेव करते, ये दिखाने के लिए एक बड़ा डायनासोर डिजाइन किया गया। मगर इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई नकली डायनासोर है, क्योंकि इसकी हर चीज बड़ी ही मेहनत से बनाई गई है। यहाँ तक कि इसकी पलकें भी असली लग रही हैं। दोस्तों, आपने कैक्टस प्लांट देखा है क्या? ये सहरा में पाया जाता है और इस पर इतने कांटे होते हैं कि इसको हाथ लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सहरा में रहने वाले ऊंटों में ये क्वालिटी होती है कि वो बड़े ही आराम से इनको खा लेते हैं। शायद इनका मुंह इतना सख्त होता है कि ये कांटे इनको जख्मी नहीं करते और भूख लगने पर ये ऊंट इन पौधों को बड़े ही शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आसिफ इन्फो आपको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।